हाँ आशीर्वाद दो कि यूट्यूब चैनल बढ़ जाए हमारा। बताओ बच्चा आई है अभी। पता नहीं ये लोग कौन है, कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड के टीके सरकार की तरफ से लग रहे हैं, और फिर बता रहे हैं कि 150-150 रुपये जमा करो तो कार्ड बनेगा, इसके बाद फला फला तारीख को पता नहीं टीका लगेगा। वो खड़ी नहीं है, वो सामने आपको दिख रही होंगी गेट के सामने, डिटेल ले रही हैं। अब ये सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि आधा आदमी तो ठगी किया करता है। दो लोग हैं ग्रुप पे, अपना रजिस्टर लिए और चंदा कर रही हैं, पर्ची बना रही हैं, पता नहीं पर्ची बना के वहाँ कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या। पता नहीं ऐसा लग रहा है पक्का ठग रही है, लेकिन जो सरकारी आदमी होता है ना वो तुमसे इतना कहेगा ही नहीं कि तुम बनवाओ ना बनवाओ, वो इतना कहाँ कहता है यार, वो कहता बनवाओ ना यदि ऐसे ही जाओ, और ये लोग बिल्कुल गिरिया के बनवाओ। एक नए ब्लॉग में नए दिन में आपका स्वागत है। अच्छा आपका आएगा 150 का है, 25 रजिस्ट्रेशन है, 125 का लगेगा। बच्चों कितने, छोटा बच्चा तो कोई है नहीं? छोटा नहीं, सब एडल्ट है ना। हाँ सब बड़े, हाँ सबका, बड़ों का 100 लगेगा। इसमें तीन बार ये वही जमा करना होगा, वही जमा करना है जब लगा देंगे तब। अच्छा। अभी खाली 15-15 रुपए अलग अलग कार्ड बनेगा इसका, तो 150 पूरा है, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। 150 में से ये 25 एडवांस वैक्सीन बुक हो रही है, जिस महीने लगवाएंगे तभी 125 देना है, नवम्बर दिसंबर जनवरी एक बार लगवाना है। अभी हमें कितना देना है? अभी 15-25-40 रुपए का एक लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। 15-25-40, हाँ, जिसमें से 25 लोग किसी एनजीओ की तरफ से, हाँ, कहाँ से है, क्या है? एनजीओ से ही। इस बात का भी डर लगा करता कौन ठगा ही न कर नहीं, लेंगे नहीं, एक बात हम बता रहे आप सही है, मानो यहाँ किसी की माथे में तो लिखा आदमी लूट लेता है। अरे जरा रुपए फेंको, 120 रुपए। अरे ये है एक बार लगवा लेना, अगर हेपेटाइटिस का है ठीक इंजेक्शन होता है टाइफाइड का, तो बता रही है एनजीओ है कोई उनका, तो एनजीओ की तरफ ऐसे काम होते रहते हैं, बाकी अब देखेंगे जाके परसों। मम्मी से कह रहे टीका नहीं लगवा रही हेपेटाइटिस की, तो मम्मी कह रही टांगन के कौन नहीं लगाती है चुराइल। अब खाने पीने का टाइम आ गया, आज खाना पीना बहुत बेहतरीन बना, यहाँ दिल के पराठे बने, ये बढ़िया सब्जी है। टाइम होने जा रहा है 7, और अपने पास आएंगे तब देखना कैसे लगेगी। छटाक, पर्दे लग गए, हम चलते हैं। वेलकम टू द मंडी समिति, मंडी समिति में आपका स्वागत है। यहाँ की एनर्जी एक अपनी एनर्जी है, आप दुनिया में किसी से मिले, कितने लोगों से भी मिले, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ जो शांति है ना, बिल्कुल शांत चिल्ड माहौल, आदमी अपने अपने में व्यस्त। चीज़ अच्छी है कि चोरी वगैरह यहाँ पे नहीं होती है। अब जैसे मानो हम लोग चक्कर लगाने चले जाएँ, गाड़ी खड़ी रहेगी, बोरा हो रहा, तो यहाँ कोई कुछ छूता उता नहीं है। अब कोई आपको ताले ही आना हुआ है, क्योंकि भास्कर भाई जो है वो हमारे कॉलेज चले गए तो तभी देर से लौटे हैं। कोई बंदर रहा होगा, ये देखिए एक बंदर बैठा हुआ टॉप पे, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये देखिए सो ये बैठा है, हिल रहा है, और ये देखिए ये आदमी देखो ये ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है। इससे पता चलता आदमी जो है ना कहीं बंदरों का ही वंशज। चलते हैं फिर, मिलते हैं थोड़ी देर में, चक्कर। यहाँ एक्चुअली में डामर रोड है, तो बोरे का ये काम है, इसके ऊपर आराम से पीठ रख लो तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो कपड़े गंदे नहीं होते। एक तो इतनी ठंडक होगी कि एक्सरसाइज करते करते ठंडी लगने लगती है, फिर तक लगता है कहीं सर्दी गर्मी ना हो जाए, तो इसको पहनना पड़ता है। एक बिल्ली मरी पड़ी है, आपको दिखाते हैं, अब अगर ये जिंदा होती तो कुछ इलाज करवाते, सोचते भी। ये बिल्कुल भैया मरी गई है का बिलरिया? अच्छा अच्छा बंदर से लड़ाई लड़ाई हुई गई। बताओ
बच्चा आई है अभी। शरीर बिल्कुल टाइट हो गया, मतलब काफी देर मरे हो गई। ये देखो बंदर बैठा है ना छत पे, ये बहुत बड़े बड़े बंदर हैं। तो किसी से इसकी धमक हो गई, उसने उठा के फेंक दिया होगा इसको नीचे, तो दन दे गिरी होगी मर गई। अब भास्कर भाई का फोन आया, कह रहे हम आ रहे हैं, वो भी रह नहीं पाते हमारे बगैर, की पूर्ति करनी है हमको। भाई हमारे इकोनॉमिक पढ़ा रहे हैं, कल की तैयारी हो रही है, तो हम लोग इकोनॉमिक पे चर्चा कर रहे हैं। चलो, सीमित संसाधनों में असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना है आपको, अर्थव्यवस्था ये कहती है। एक लाइन पहले और बता देना ना कि जैसे आपके पास 4,000 रुपए है तो आप एक बंदे से 4,000 का व्यवहार का व्यापार करें, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप 4 बंदों से 1,000 का व्यापार कर लें। दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक उसे बोलते हैं जो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को जोड़ ले, मतलब कहीं भी घाटा पड़े तो कहीं फायदा भी फायदा हो जाए। कभी एक उस पर नहीं चलना चाहिए हम लोग। तो हम उनसे बताएंगे 1,000 रुपए में अब वो पिक्चर देखने गए, तो अब टिकट मिली 400 नहीं हो पाया, उन्होंने दिमाग लगाया, सैद्धांतिक पक्ष में आए, 1,000 ही रुपए थे लेकिन दिन बदल दिया। उनको अपने बेहतर तरीके से अपनी ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करी जा करके इच्छाओं की, या संसाधनों का अच्छा से अच्छा दोहन किया, यही अर्थव्यवस्था है। और यही अर्थव्यवस्था में आपको ये है काली गाय। एक और हाँ आशीर्वाद दो कि यूट्यूब चैनल बढ़ जाए हमारा। गाय का आशीर्वाद मिल गया, उससे बता दे यूट्यूब चैनल बढ़वा दो। आप लोगों भी काम है कि उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाते जाओ। हम लोग मंडी होके घर आ गए, अब बैठेंगे थोड़ी देर, खाना पीना होगा, फिर सो जाएंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो याद रखना, चैनल आगे बढ़ाना है।